बहुत के साय की वादी में से मेरा गुजर होगा, किसी बला से नहीं डरूंगा। सुखदा हमारे साथ है, हमें किसी बला से कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। हालेलुया। तो आइए खुदावंत की स्टेज को भाई के साथ मिलकर आगे बढ़ाते हैं। दुआया कोर्स गए। अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे और अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करके दुआया कोर्स गाएंगे और सब अपने अपने लिए क्लाम को मांगेंगे। हो खुदा
चले हवा तेरे मुंह की, पाते हैं शिफा सभी रोग की। चले हवा तेरे मुंह की, पाते हैं शिफा सभी रोग की। मैं मांगने दर पे आया, दे मुझको मुझको कलाम की रोटी, दे मुझको कलाम की रोटी। खुदा के लिए बुआ जी दुआ में रहनुमाई करेंगे, बुआ जी खुदा के कलाम के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम सब अपनी आंखों को बंद करें, खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया, खुदा हम तक के खुदा जलाल, थैंक यू जीसस, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, मौजूद है हमारी जिंदगी में मौजूद करने वाला है। ऐ प्यारे खुदावंद के खुदा, जितने भी लोग यहाँ पे आए, कोई आज खाली हाथ ना जाए। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, आज तेरे कलाम के वसीला से जिंदगियां तब्दील हो जाएं। यीशु मसीह के जलाली और बरकत नाम से मांगते और पा लेते हैं। प्रेज, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस।
प्रेज हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस हालेलुया ग्लोरी हालेलुया फैन को थोड़ा सा करके खुदा ने यीशु मसीह के जलाली पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती है। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं उसके भले नाम के लिए और आज के दिन के लिए जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में हमें बख्शा है। सो अभी लम्हा है जैसे हमने दिलोजान से खुदावंद की इबादत की प्रस्तिश की और उसके नाम को जला दिया। खुदा के कलाम से हम फैज़याब हों और उसके कलाम की बरकत को अपनी ज़िंदगी में मौका दें। जिनके पास खुदा का कलाम है वो ज़रूर मेरे साथ अपने हाथों में बाइबल लें और देखें पुराने अहदनामा में से मलाकी नबी का सहीफा उसका बाब नंबर 3 है आयत नंबर 6 से खुदा के कलाम की तिलावत करेंगे। पुराने अहदनामा में से मलाकी नबी का सहीफा उसका 3 बाब और उसकी आयत नंबर 6 से तवज्जो करें और बच्चों को प्लीज मेहरबानी करके जरा कंट्रोल में रखें। क्योंकि मैं खुदावंद ला तब्दील हूं। खुदा क्या कहता है? मैं ला तब्दील हूं, इसीलिए ए बनी यकूब तुम नेस्त नहीं होगे। मेहरबानी करके इसको पीछे जाकर बैठ शाबाश। तुम अपने बाप दादा के अयाम से ही मेरे आइन से इधर बैठ जाए लेके इसको मुनहरिफ रहे और उनको नहीं माना। तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू होऊंगा। रबुल अफवाज फरमाता है लेकिन तुम कहते हो कि हम किस बात में रजू हो। अब सवाल है कि कहते हो कि हम किस बात में रजू करें? क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? क्यों नहीं? खुदा क्या कहता है? क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझे ठगते हो। ये कौन कह रहा है? कितनी सख्त लीमा वैसे। हाँ जी, आगे कलाम की खुदा क्या कह रहा है? कोई मैनू ठगेगा? तैयार साहब की कह रहे हो तुसी? की जवाब दिता? हाँ क्या ना? खुदा को इंसान ठग सकता? ठगते हैं नहीं है, लेकिन आगे चल के हम देखेंगे कि कैसे है। पर तुम मुझे ठगते हो और कहते हो हमने तुझे किस बात में ठगा? तीन क्वेश्चन बातें हैं इसमें। खुदा कहता है क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? फिर खुदा कहता है तुम ऐसा करते हो और करके कहते हो हमने किस बात में ठगा? अब वजह आपने कहा ना नहीं ठगते, तो खुदा बताने लगा। खुदा क्या कहता है? जेड़े चार चार महीने पांच पांच महीने साल बाद साल ठगते ने, खुदा उनके बारे में क्या कहता है? दा यकी और हदिया जे पे हाथ डाला ऐसे टटोलते रहे ऐसे फिर चुके। आपको पता है जो अंधे हैं उनकी आंखें नहीं है तो वो नोट को हाथ में पकड़ के तो देखते हैं साइज के हिसाब से और जो खुदरापन होता है जहां 50-100 लिखा है वहां नंबर लिख देते हैं तो उससे हिसाब लगाते हैं कितने वाला नोट है। ये अंधे करते हैं। ये कौन करते हैं? और हम जो आंखें रखते हैं हम अपनी जेब में ऐसे हाथ डाल के ना फिर ऐसे करते हैं। अच्छा, 50 का निकला ठीक। वो कई दफा लोग बकाया भी मांगते हैं, है ना? जैसे किसी किराने की दुकान पे नहीं हम जाते, किसी स्टोर पे जाते हैं तो
तो घी लिया, मिर्चें ली, कोई साजो सामान लिया, तो फिर बाद में कहते हैं भाई मेरा पकाया। यहाँ हम किसी गाड़ी में बैठे हैं तो 90 रुपये टिकट है तो हम कहते 10 रुपये पकाया, वो तो खुदा को। और आगे लिखा है ये खुदा के कलाम की तालीम है, बस तुम सख्त मलाऊन हुए। क्या हुए? अब एक इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, घर में जो घर है, एक शादीशुदा घराने की बात करूं, उसमें फैमिली का तनासब और फैमिली का जो शजरा है वो कैसे है? बाप है ना, गौर कीजिएगा, सब मेरी तरफ देखे जरा। आज मैंने देखे ना नया ड्रेस में ना, तो इधर देखे प्लीज, मेहरबानी तवज्जो करें। घर का तरीका कार क्या? बाप दैट कॉल हस्बैंड है ना, मदर मां, हस्बैंड के बाद कौन आया? बीवी वाइफ, फादर यानी बाप, ये फादर मिशन वाला नहीं, ठीक है। साडे सेंटर की कुड़ी तो कहती भी बेचारी थोड़ा भी नहीं पढ़ी, कहती मैं सिस्टर बनना वा। मैं कह तेरे 3-4 भरा ने सिस्टर ही है, तो उन्होंने बाप मां। अच्छा ये रिश्ता बच्चों के लिए है, यानी बाप और मां। फिर मियां बीवी का क्या है? हस्बैंड एंड वाइफ। क्या ये जो तरीका कह रहा है उल्टू हो सकता है कि सबसे एंड में बच्चे हैं और बच्चों को उठा के ऊपर ले हैं, यानी बच्चे बीवी और खावत। कलाम की क्या ये तरतीब है? क्यों जी? यानी ऊपर से उठा के बच्चे ऊपर, फिर बीवी, फिर खावत, ऐसा है? क्यों नहीं? क्यों नहीं ऐसा है? डरते मारे हो इतना ज्यादा गल है, क्यों भाई बताएं? कलाम का पैटर्न क्या ये है? याद रखें, जब आप बचपन में ही अपने बच्चों की खुदा के खौफ की तरबियत करेंगे, क्या करेंगे? खुदा के खौफ की तरबियत करेंगे। जब तक उनकी शादियां नहीं होती तब तक वो कलाम की रूह से आपके ताबे हैं। कलाम की रूह से वो क्या है? क्योंकि वो अलहदा से घराना नहीं है बल्कि आपके घराने के फर्द हैं, बाप और मां की हुक्म के ताबे। कलामे खुदा में क्या है लिखा? औलाद ताबे रहे, बीवी ताबे रहे, शौहर शौहर होने के नाते ताबे रहे, बेटा बेटी होने के नाते। जब इस तरह से तरबियत की जाती है तो फिर उसमें तरतीब नजर आती है। मैं बात कर रहा हूं जब आप अपने बच्चों की बचपन में ही तरबियत करते हैं तो कलामे खुदा इमसाल की किताब में फरमाता है कि तू बच्चे की छोटे होते वक्त में जो तरबियत करेगा ना छड़ी के साथ, ठीक है, छड़ी के, उससे वो जवान होके भी नहीं मुड़ेगा। उससे वो जिंदगी में दो असूल, क्या कोई इनको बिठा सकता है? ये जब से आए ना बस इनकी चहल कदमी नहीं खत्म हो रही, ठीक है। जिंदगी में दो असूल, ये गाने वालों के बारे में है। जब आप गाते हैं हम तो जगह जगह गवैये उगे ने, पहले तो गाए ना गाने वाले दे विच कोई ताड़ हुंदी, हुण जगह जगह उगे ने जंत। ज्यादातर गाने वाले सफेदे की तरह है, सफेदे को समझते हैं, उहदे पत्तियां नूं हाथ लाओ तो खुशबू भी आती है, कद भी बड़ा लंबा जिदा पॉपुलर दे दरख्त हुंदे ने, पर फल कोई ज्यादातर सिंगर इस तरह के। अब मैं बताने क्या लगा, हम ये बात समझने की आज कोशिश करेंगे कि अगर कोई खुदा बात करता है उसमें अगर हम पूरे नहीं उतरते तो क्या खुदा को जुटलाते हैं या हम अपने आप को जुटलाते हैं? मैं बात कर रहा हूं दो चीजें गायकी के तलक से। नंबर एक, या तो ऐसा गा दें कि बाद में जितने मर्जी आए लोगों के कानों में आपका गाया हुआ ना जाए, वो सुर के देनों से ना जाए,
यहाँ पे सब्र एक आया है और आपको आखिर में मौका मिला है और आप ऐसा गा दें कि पहले गाया हुआ सारा लोगों को भूल जाए। सैमुअल ने यसी को कहा अपने बच्चों को बुला। सैमुअल ने क्या कहा? अपने बच्चों को बुला, मैं तेरे खानदान में से किसी एक को इसराइल का बादशाह मुकर्रर करूंगा। अब बारी बारी बच्चों को बुलाया, जो भी यस्सी का बेटा आता, कद आवर खूब रू सुरख रंग और खूबसूरत लिबास पहने हुआ आता कि आज नबी हमारे घर में आया है और इसराइल का काजी है। अब जब वो आता है तो फौरन सैमुअल तेल की कुप्पी हाथ में पकड़ लेता है। खुदा कहता है रुक जा, एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा, सिक्स टाइम्स, जब छठी दफा तक सैमुअल ऐसा करता है तो खुदा कहता है सैमुअल, खुदा इंसान नहीं, खुदा क्या है? इंसान नहीं, जाहिर पे निगाह करे। खुदा इंसान नहीं कि इंसान के जाहिर पे निगाह करे, खुदा दिल पे नजर करता है। खुदा किस पे नजर करता है? दिल पे नजर करता है। देखें बहुत दफा मैं लोगों को अपनी लाइफ में, जो है मुझे पानी आके दे दो, बहुत दफा मैं लोगों को अपनी लाइफ में मिला हूं, उनकी आंखें कुछ कह रही होती हैं, उनके होंठ कुछ कह रहे होते हैं और उनका जो वे ऑफ टॉक है ना, बॉडी लैंग्वेज, उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और बता रही होती है। क्या कह रहे? आंखें और, है ना, मुंह से बात और बॉडी लैंग्वेज और इस सारी बात का जो मिला के अर्थ होता है वो ये है कि बंदा झूठ बोल रहा है, ये आपके साथ वफादार नहीं है, दोनों में से एक है, और अगर वफादार होगा तो सच्चाई से काम लेगा। खुदा इंसान नहीं के जाहिर पे निगाह करे, बल्कि वो दिल पे निगाह करता है। जब सैमुअल ने पहली दफा जब इसराइल ने खुदा से बादशाह मांगा ना, तो उन्होंने जो बादशाह मुकर्रर किया वो साउल था, बड़ा खादावर, जवान, हटा कटा, उसको बादशाह मुकर्रर किया। और सैमुअल के जेहन में वही बात चल रही थी कि पहले भी जब किंग मुकर्रर किया गया था, जो किंग ऑफ इसराइल था वो भी तो बड़ा जवान था, अब भी ऐसा ही होगा। खुदा ने सैमुअल को कहा आज चेंज नहीं होना, पहले वाली गलती आज नहीं होनी, अगर पहले ऐसा किया अब ऐसा नहीं होगा। सैमुअल ने कहा कि तेरा कोई होर पुत्र भी है? तो यसी ने क्या जवाब दिया सैमुअल को, क्या कहा था? हां एक और है। कहा है? वो भेड़ बकरियां चरा रहा है। यसी ने कहा, यसी को सैमुअल ने कहा जा उसे बुला, उसको क्या कर? बुला। जब वो बच्चा जो 16 साल 17 साल की उम्र का है करीबन, उसको बुलाया जाता है, उस नौजवान को, वो दौड़ा दौड़ा भागा भागा आता है। अब जो भेड़ बकरियां चराने वाला होगा वो ऐसी की गल्ला बानी करने वाला, वो टू पीस थ्री पीस पा के तो नहीं ना जाता होगा। जब आप खेतों में काम करने जाते हैं तो काम वाले कपड़े पहनते हैं ना, के फैंसी ड्रेस पहन के जाते हैं, काम वाले होते हैं। वो अपने चरवाहों वाले लिबास में है, हो सकता है आप गैसिंग के उसके उन कपड़ों से स्मेल आ रही, भेड़ों के बाल लगे हों, क्योंकि दाऊद के हम देखते ना वो बड़ा अच्छा चरवाहा था, भेड़ों से प्यार करता था, आगे उसकी गवाही भी मैं बताऊंगा। अब जब वो आया है, जो ही वो अंदर आया, काम बनते देर नहीं लगी, खुदा ने कहा उठ और इसे इसराइल का बादशाह मुकर्रर कर दे। उसको नहीं पता, उसको तो ये ही बताया होगा ना यार कारमा सैमुअल काजी आया, और वारी अभी बताया नहीं कि मैं आया किस लिए हूं, उनको नहीं बताया,
उनको तो बारी बारी बुलाया जा रहा, पॉइंट जो अपॉइंटमेंट है वो तो खुदा के रूह खुदा की तरफ से होना थी। वो भागा भागा आया और दाऊद के बारे में लिखा है वो हसीन था, बजाने में माहिर। इतने तो लोग दूसरे दिन जिंदगियां बजाने के माहिर है ना, दाऊद प्रस्तिश में माहिर था। द गॉड सेज वो गीत गाने में प्रस्तिश में माहिर था। माहिर कैसा? गीत गाता और सौर की बदरू भाग जाता। आजकल तो सारे काम पादा निशा वाली है ना, दिन राग नहीं आते हो कुछ भी नहीं। दाऊद लिखा है वो गाता था चिरिंद प्रिंद नदी नाले हवाएं फिजाएं उसके साथ मिलकर आबशारे खुदा की प्रस्तिश में शामिल। जो पैसे वाली गाई है ना तो गाउन च बरकत भी आनी है, तो जो रब ली गाई है ना तो पैसे उतो डिगना शुरू होते हैं। जब आप अपना बुलावा पैसों के लिए वक्फ कर दें तो पैसे तो मिल जाएंगे, बुलावे वाली बात नहीं रहेगी। बुलावा क्या? एक दफा इसराइल की जंग छिड़ गई, एक बड़ा जवान आता है मैदान में और ललकार के कहता है कोई तुम में जो मेरा मुकाबला करे, जो मेरे सामने खड़ा हो सके। सब डरते हैं और उस ललकारने वाले का नाम जाती जूलियत था। वो मैदान में ललकारता ही नहीं बल्कि खुदा की तकफीर भी करता था। और कितने गया खुदा था? खुदा अपने को कहो मेरा मुकाबला करे। ऐसे ही दाऊद जाता है और दाऊद भी सुनता है और दाऊद कहता है मैं इसका मुकाबला करूं। भरा कहते तू इतने भी लगता कोई शरारत ही करन आया, दौड़ जा कर चला जा। वो बादशाह के पास जाता, कहता मैं लड़ूंगा जंग जिन्ना दिन लड़ता रही हवा और जंग कदी। ये गीत हम और गाते हैं, आज भी हम गाएंगे। जाती जूलियत तूने जिंदा खुदा को। जब कोई खुदा को ललकारता है, जब कोई खुदा का मुकाबला करने की कोशिश करता है तो जरूर है कि उसका मुंह बकरी के बच्चे की तरह सुनसुन जैसे चीर डालते। हम ये नहीं कहें मस्सा भी आए शेरों के मुंह भी चीर दें, शेर सजदा भी करे, आग ठंडी हो जाए, लंगड़े चले, मुर्दे जीवत हो, बदरूहे भागे, तेजी कहने आंसू बता दे। हाँ? ऐसे नहीं, वो आपने नाम ही आंसू रख दिया जिस चीज का, वो बरकत कैसे होगी? खुदा आंसू तो नहीं देता। हंजुआ दे नाल जो बीज रो रो बीज दे पर खुशी दे नाल बेशक परियां चुक के आवेगा। ये दाऊद कि जिंदगी को कभी कभी मैं देखता हूं तो मैं हैरान हो जाता हूं। हाउ ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर, अ वॉरियर ऑफ गॉड, ही हैव अ कॉल फ्रॉम गॉड, ही वॉज नॉट चूजन बाय समवन, ही वॉज चूजन बाय गॉड। खुदा की तरफ से चुना गया एक अजीम जंगी सूरमा, एक ऐसा सूरमा के खुदा कहता है मेरा बंदा दाऊद मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गया। जिसको खुदा ये कह देना उन्होंने कहते रब दिए रखा ने कोई कुछ नहीं कर, और फिर वो कहेगा खा मेरा गुजर मौत के साया की वादी में से हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तेरे साया और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है, तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता। ये दस्तरखान ये है दुश्मन चीखता रहे एड़ियां उठा के पटकता रहे आपके सामने प्लान मंसूबे मुश्किलें खड़ी करता रहे। याद रखें एक ही हवा का हचकोला उनको उड़ा के ले जाएगा। ऐसे ही होगा कि एक असा मारने की जरूरत है और दो दो हिस्सों में कुलजम होके आप पार चले जाएंगे, आपकी मंजिल उस पार है। ये जो असा है ये आपका बुलावा है, ये जो असा है ये आपकी विजन है, ये जो असा है ये आपकी सबमिशन है, ये जो असा है ये आपका कमिटेड होना है, ये जो असा है ये आपका
वो हिस्सा है कि आपने अपना कंट्रोल खुदा के हाथ में दिया है, जहां खुदा कहे वहां जब वापस आपको इस्तेमाल करेगा तो मेरे कल होंगे। उसको भेजने की कोशिश की तो दाऊद अपनी गवाही पेश करता है। लेट मी आस्क यू, आप अपनी जिंदगी में क्या टेस्टिमनी खुदा के सामने रखते हैं जिससे आप खुदा में आगे बढ़ सके? जब उसको दुदकारा गया ना कि तू चला दे भरावा ने क्या, वो बादशाह के सामने तो वहां वो क्या कहता है, गौर से सुनिएगा। बादशाह तेरा बंदा भेड़ बकरियां चराता है और जब कभी कोई रीछ या भेड़िया मेरी भेड़ को उठा के ले जाता है तो तेरा बंदा उसका पीछा करता है, उसके पीछे जाता है और उसके मुंह से उसको छीन के निकाल के सलामत ले आता है। ये है गवाही। आपके पास टेस्टिमनी क्या है, आपके पास बुलावा क्या है, वही आपके आप खुदा के सामने। अगर आपने जिंदगी में खुदा के साथ वफादारी नहीं रखी, जितने मर्जी गीत गाए, जितना मर्जी कलाम सुनाया, जितनी मर्जी दुआएं की, जितने मर्जी रोजे रखे, लेकिन अगर गवाही नहीं है, इसकिया को यशायाह नबी ने क्या कहा, इसकिया अपने घर का बंदोबस्त कर ले क्योंकि तू मर जाएगा। इसकिया ने क्या कहा, मान लिया आली आप चार प्लाट धी नूं दे दिओ, पांच प्लाट मुंडे नूं दे दिओ, सोना बीवी नूं दे दिओ, हीरे जवाहरात फलां, ऐसा किया नहीं। खुदा के लोग क्या करते हैं, खुदा के लोग मंसूबों को चेंज करने की कुदरत रखते हैं। हमें खुदा ने मंसूबे बनाने की पावर दी है, हमें खुदा ने दुश्मन के मंसूबों को पलट देने की कुदरत दी है और हमें खुदा ने कुदरत दी है कि हम खुदा को उसके हजूर जब जाते हैं तो खुदा अपने इरादे बदलने में मजबूर हो जाता है। क्या हुआ, हिजकिया ने रोकर चिल्लाकर कहा, ऐ खुदा देख मैं कैसे तेरे हजूर वफादार रहा, मैं कैसे तेरी मर्जी पूरी करता रहा, मैंने जिंदगी में हमेशा वही काम किया जो तुझे अच्छा लगता है, जो तुझे भला मालूम होता है और मैं हमेशा तेरी पैरवी करता रहा। What was happened? What was happened? The Isaiah was going in the middle of the city. यशाया शहर के वस्त में था और खुदा ने कहा वापस जा। अभी दुआ में आमीन हो रहा है और खुदा ने कहा कि जिन्ने हाथ द्वार गिरिया जड़ी है वो पीछे होएगी तेरी होनी है। और पता कितने साल उसकी उम्र बढ़ी, 15 साल। हालेलुया, हालेलुया। जब डॉक्टर कह देते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, जब दवाइयां बेअसर हो जाती हैं, जब कोई इंजेक्शन काम नहीं करता, जब कोई मेडिसिन को हकीम काम नहीं करता, वहां बरे का लहू आता है, वहां खुदा के बेटे यीशु की सलीब कुदरत काम करती है, वहां बरे का लहू शिफा बनता है, बहाली बनता है, कुवत और कुदरत बन के हमें संभालता है। यही दाऊद ने किया। दाऊद ने कहा मैं तो ऐसा हूं, उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा इसको मेरा जंग लड़ने वाला लिबास बना, उसको खुद पहनाया क्या सारा कुछ, वो चलने लगा और चला ना गया। उन्हें क्या ला दे, मैं अपने तरीके ना जंग लड़ांगा। देखें चर्च, एक बच्चा है, ये आप भी आ जाए जल्दी, आ जाए आप भी आ जाओ, पति साहब की कुड़ी आ जाए जल्दी है क्विकली, यहाँ आ जाए, तू बैठ जा, आप आ जाओ, भाग के आओ यहाँ, कम यार यहाँ स्टैंड ओवर देयर। अच्छा जी, अब मुझे बताएं क्या इसकी चप्पल इसको पूरी आएगी, क्या ये इसके शूज पहन सकती है, क्या ये इसके शूज पहन सकती है, क्यों नहीं पहन, नहीं है पूरे आ जाएंगे, हाँ पूरे आ जाएंगे, क्यों भी काके पूरे आ जाएंगे, क्यों भी महमूद साहब पहन नहीं है, चलना फिरना या पांव नहीं चलेंगे, पांव को मट्टी नहीं लगेगी, लेकिन अगर ये इसके चप्पल पहने तो पूरी आएगी। हाँ अलबत्ता ये इसकी शूज में पांव पटका सकती है, लेकिन ये चलेगी तो दिक्कत होगी कि नहीं, हाँ जी। जब आप किसी दूसरे के कपड़ों को, जब किसी दूसरे के शूज को, ये सेम लाइफ विजन है, जब ये कहना फर्ज करें एल्डर के मैं पादरी बनना तो पादरी के मैं एल्डर बनना नहीं होना। एक चीज, जिस चीज के लिए खुदा ने इसको बुलाया है इसको वही विजन फिट होगी।
जब आप अपने शूज पहनने की कोशिश, और दूसरी बात जब आप खुदा की खिदमत करते हैं ना उसमें नुक्स बिंदियां ना निकाले, एंजनी जो करते हैं कलाम कहता जी जान से करे, ये जान कर करे कि खुदा के लिए करते हैं। गॉड ब्लेस यू, पढ़े गॉड ब्लेस यू। अब एक चीज आप पहले बांध रहे, जब दाऊद ने वो जो इंसानों का त्यार किया लिबास था ना, वो ऐसा था बिल्कुल तलवार, वो फेद जिस पे लिखा है खुद उसको कहते हैं सारा लिबास, लेकिन चला नहीं जा रहा था। दाऊद ने क्या किया, एक बच्चे संडे स्कूल के गीत गाते थे घुमा घुमा के, किसको आता है, दाऊद ने जूलियत को एक पत्थर से मारा। कैसे मारा, कई दफा मुफस्सरीन कहते हैं उसने पांच चिकने पत्थर लिए, क्या लिए, पांच चिकने पत्थर। और ये चिकने पत्थर आज कलीसिया में कौन है, लिखा है ये पांच खिदमतें हैं, ये जो पांच चिकने पत्थर है ये पांच खिदमतें हैं, और वो खिदमतें क्या है, कलाम कहता है इसियों के खत में उसने किसी को उस्ताद, किसी को नबी, किसी को रसूल, किसी को मुबशर और किसी को चरवाहा। लेट मी वंस अगेन रिपीट इट, उसने किसी को उस्ताद, किसी को नबी, किसी को रसूल, किसी को मुबशर और किसी को चरवाहा बना के कलीसिया को दे दिया। किसको दिया, कलीसिया का तर्जमा क्या है, खुदा के लिए चुने गए, किसके लिए चुने गए, अलग किए गए लोगों की जमायत, कलीसिया को दे दिए ताकि मसीह का बदन तरक्की करे। अगर कोई डीकन है तो वो ये समझे कि मुझे चुना गया है ताकि मसीह का बदन तरक्की करे, अगर कोई एल्डर है तो वो समझे कि मैं चुना गया ताकि चर्च में मसीह का बदन तरक्की करे, अगर कोई गीत गाता तो वो समझे कि मसीह का बदन तरक्की करे। ये मकान, ये मजबा, वर्शिप, प्ले करना, ड्रम बजाना, ढोलक बजाना, हारमोनियम बजाना, जिस रूह से आप कलाम सुनाएंगे, जिस रूह से आप गीत गाएंगे, जिस रूह से आप साथ प्ले करेंगे, उसी तरह की आपको बरकत मिलेगी, उसी तरह की आपको। हन्ना सैमुअल की मां बे औलाद थी, ऐसे दुआ कर रही है आंसू गिरते जा रहे, कोई नहीं पता इधर कौन है उधर कौन है, और एंड में देखने वालों ने क्या कहा, इन्हें नशा कीता है, कहने की कीता है। एली क्या हना कर राख सूरनी, कदों तक नशे विच रहेंगी चूरनी, नशा नहीं मैं कीता रब विच रिनिया, कट दे नमानी दिया सब तंगिया, अखियां ना थकिया ना बाहां संगिया, हन्ना दलगीर ने दुआवां मंगिया। आपकी जितनी बड़ी मुश्किल है, आपकी जितनी बड़ी प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको कष्ट भी उतना ही काटने की जरूरत है। जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो जिस तकलीफ से वो गुजरती है, जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है जिस तकलीफ से गुजरती है, अगर हम मर्दों के साथ ऐसा तो ये कहना, लोग तो कहते ना बच्चे दो ही अच्छे, तो अभी मर्दा नहीं कहना एक ही अच्छा है। और जब वो पता चलता है खुदा ने तुझे बेटा दिया बेटी दी, तो कलाम कहता है वो अपनी दर्द को भूल जाती है और वो अपने बच्चों से क्या करती है, प्यार करती है। जितना बड़ा दुख, जितनी बड़ी आजमाइश, उसका रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा, उसका जो फजल है आप पर वो भी उतना ही बड़ा होगा। मूसा जब जंग लड़ी जा रही थी, मूसा ने हाथों को क्या किया, मूसा ने हाथों को क्या किया, ऊपर उठाया, जब हाथ ऊपर उठाए तो इसराइलियों को क्या होती थी, पता है, हां जी, जब हाथ नीचे की मूसा के जाते वाए, हां जी, क्या होता पास्टर थक सकता है, पास्टर थकता कैसे है, ये तो दो थोड़े आंदे हैं, जो लोग तावन नहीं करते, जो लोग हदिया जात दा यकीन नहीं देते, जो लोग अपनी कमाई का दसवां हिस्सा खुदा दे जरूरी लैके आते, जो लोग चर्च के मामला दे विच जिहड़ा वा सही किरदार अदा करने की बजाय चर्च के विच फाला लाने की कोशिश करते रहे, है ना, कई वो अपने लोग कह रहे हैं जी मंजी सिद्धि कर रहे हैं, वो खिल करे चर्च की मंजी ठोकी जा रहे होते, नीचा क्या निकलता है, पास्टर थक जाता है। और लिखा है जब उन्होंने उसके हाथों को पकड़ा, दो लोग आए हाथों को ऊपर किया, हाथ थामे रखे और हाथ ऊपर है, वो दुआ करता रहा और फिर उनको यरू जैसे बड़े शहर पर क्या हुई पता, कलीसिया में कोई बाज है, कोई बीमार है,
कोई बेरोजगार है, कोई बेवा है, कोई यतीम है, कोई गरीब है, ये आप मेरा हाथ पकड़ने वाले बने दुआ में, रोजे में, खिदमत में, रुपए पैसे से, हर लिहाज से। तुम कहते हो हमने किस बात में ठगा, हुण दसो ठग दे कि नहीं। उसने कितने पत्थर लिए? 5। उनको लिया, एक फलाखन में डाला, फलाखन में डाल के उसको घुमाया, लेकिन उससे पहले उसका मुकालमा होता है। दाऊद का जूलियत के साथ क्या था? वो कहता मैं कोई कुत्ता हूं जो तू छड़ी लेके मुझे मारने आया है? दाऊद को उसने कहा मैं तुझे मार के तेरा गोश्त चीर कवों को हवा में खिलाऊंगा। हो गई बात, दुश्मन की बात मुकम्मल, अब खुदा के बुलाए हुए की बात। कहता तू होता कौन है? Who you are? इस्राइल के खुदा की फसीहत करे, तोहीन करे। आज मैं उसी खुदा के नाम से आया हूं। मुझे बताएं, अक्सर हमारी कलीसियाओं में बुजुर्ग माएं, बहने, भाई एक दुआ करते हैं, आप ऐसी शायद को करते हो, इब्राहिम, इजहाक और यकूब के खुदा, क्या खुदा आपका नहीं है कि नहीं? लेकिन आप कहते क्या है? ये वो लोग हैं, अब तुझे किसी मल्ले दे कान टूटे का नाम नहीं लेते, खुदा के लोगों का नाम लेते हैं। क्यों लेते? आपके सामने है कि कैसे इब्राहिम की खुदा सुनता था, कैसे इजहाक की खुदा सुनता था, कैसे यकूब की खुदा सुनता था, वो खुदा मेरी भी सुने। दाऊद कहता है मैं उस जिंदा खुदा के नाम से आया हूं, आज मैं तेरी ही तलवार से तेरा सर कलम करूंगा। एक छोटा बच्चा, और क्या कहना चाहता है, आएंगे तो फिर ही है ना, ठीक है, आएंगे तो फिर ही है कि हम उनको प्रोटोकॉल पहले देंगे। अब जब ये हुआ तो नतीजा क्या निकला? दाऊद ने तो मारने से पहले कह दिया ना मैं तेरा ये करूंगा, और वो भी कह रहा है, और लिखा है दाऊद ने एक चिकना पत्थर फलाखन में लेकर जब छोड़ा तो उसके सर पे जो लोहे का था ना वो, ठीक है, उसको चीरता हुआ उसकी खोपड़ी में डाल घुसा, वो वहीं ढेर हो गया, और दाऊद ने उसी की तलवार से उसका सर कलम करके उसके सीने पे सर पांव रख के ऐसे सर हवा में उठाया। खुदा ने हमें बुलाया है कि हम दुश्मन की फसीलों को गिराएं, और हमारा दुश्मन शैतान है, हमारा दुश्मन इब्लीस है, क्योंकि कलाम कहता है तुम्हारी कुश्ती खून और गोश्त से नहीं बल्कि उन रूहानी फौजों से है जो आसमानी मुकामों में है, तारीकी की उन फौजों से है। हम खुदा के लिए अगर बुलाए गए हैं, आपके घर में मुश्किल हालात होंगे, कई दफा मुझे पता है हर माह लोगों को, क्योंकि बिजली के बिल ने सत्यानाश मार दिया, लोगों को बिल देना मुश्किल है, किराया देना मुश्किल है, बच्चों की फीसें पे करना मुश्किल है, घरदारी चलाना, शादी ब्याह दीगर मसला जात है, आजकल कोई भी काम नहीं है जो डायरेक्ट आप अपनी जेब से निकाल के कर ले, कहीं ना कहीं से कोई कर्जा लेना पड़ता है किसी कश्यप वालों से, कोई ना कोई तरीकाकार है। लेकिन अगर आप एक काम करें तो उसके आप खुदा को आजमा के देख लें, सबसे बचाएगा। और पता क्या, पूरा दसवां हिस्सा खुदा के घर में, पूरा दसवां हिस्सा। मुझे बताएं, मुझे वालदेन की समझ नहीं आती, हमारे एल्डर साहब इधर ही बैठे हैं, जब इनके बच्चों के नाम के आगे वल्दियत आएगी तो वो आएगी जी, मतलब जॉय किंग सन ऑफ शाहिद मसीह। जो सन ऑफ ए शाहिद मसीह, तो सन ऑफ शाहिद मसीह का काम ही है कि अपने बाप की पूरी गल भी मने, जे 10,000 कमाता है तो 5,000 ना खुश दिली ना चर्च दे, लेकिन उत्थे आ कहता प्यो का मिशन फर्क है, तो माँ का फर्क है, धी का फर्क, मिशन बड़िया हुई। कोई है जवाब? हाँ जी, ये सिर्फ पैसे बचाने का तरीका है, पैसे ना देने का ढोंग है कि आप खुदा का हिस्सा खुदा को नहीं देना चाहते। बस आप ये समझें, जो आप करते हैं ना इसका मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं, क्योंकि एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं इसमें से कुछ भी अपने घर नहीं लेके जाता, ठीक है, यही बल्कि अपने पल्ले से अपने पास से, और खुदा का शुक्र उन लोगों के लिए जो मुझे सपोर्ट करते हैं, और खुदा ने
बोझ उठाया, लेकिन आप क्या करते हैं? अगर आपकी 20,000 इनकम है, आप 1,000 का देके समझे आप दाई की दीजिए, नहीं खुदा 2,000 दें। यहाँ क्या लिखा है सुने जरा, उसके बाद अपनी मर्जी कीजिएगा। क्या है 10वीं आयत तीसरे बाब की मलाकी का सीन था, पूरी दा यकी जखीरा खाना में लाओ। कितनी पूरी कितनी होती है? क्या बहन सीना बैठी है, विडो है, जितना कमाती है ना हफ्ते में बने वो अगले संडे चर्च में दा यकी छुट्टी दे देती है, 500 बने 500 दो। और ये बहन करती क्या, लोगों के घरों में जाके खिदमत का काम, काम तो नहीं है ना, खिदमत का काम करती है, ठीक है। और इसने डिग्री की हुई है, उससे दो कमाती है, जो डिलीवरी के केसेस होते हैं उसको करके लेकिन देती है। जब आप ऐसा करेंगे, आप समझते हैं आपको बेटा चाहिए, तो पूरी दायकी का मतलब क्या है? मैंने क्या बताया 20,000 की कितनी दायकी बनी? 2,000। आपको बेटा चाहिए, खुदा के अद्धा दे देना, उधर भी गुजारा कर लो, एक लत्त होएगी, एक हाथ होएगा, देखो है एक कख होएगी, अद्धा नक्क होएगा, चल जाएगा, पूरा चाहिए है ना। पूरी रोटी जो तुम किसी को मंगो तो अद्धी कट के दे देना, तुम मुँह वाले देखो कि पूरी है कि अद्धी, आपको सारी समझ है। आप सब्जी लेने जाते हैं, आप कहते हैं 1 किलो आलू दे दो, और वो आपके सामने 3 पाव का रख दे, आधा किलो वाला और पाइया का बट्टा रख के आपको 3 पाव आलू दे दे, और आप पैसे किलो के दे, क्यों क्यों नहीं देंगे? क्यों मैं मूसा बताए है? अच्छा आलू काटने तो अभी पूरे पैसे नहीं देने, खुदा नूं कहने थोड़ा भी अभी देिए ना तो बरकत पूरी दे दे। कई लोग बरकत पूरे दे देंगे ने, पर बरकत दे विच नहीं देंगे, साडा भी ओह बात, असीं बरकत पूरे दे नाल शायद लागे पा के रहिंदे लेकिन बरकत नहीं है, ठीक है। बाप का खड़ा कोई होना चाहिए, जब बच्चे छोटे हैं ना तो बच्चे अपने बाप से डरते हैं, और जब वो बड़े हो जाए तब एल्डर साहब हमारे दरम्यान नहीं है, उन्होंने न्याणे शफीक सी, मुफीक सी या नवीर सी है, बाजी खड़क करेंगे अबू जी मरदे दम तक। रात को भी मेरी बाप में आया, मैं अपनी मिसेज पर अपनी माँ को बता रहा था, एल्डर साहब को देखना मैं बाप से, मतलब मैं बताना क्या चाहता हूँ, अपने बच्चों की तरबियत इकलाम के मुताबिक है। आपसे पूछा जाएगा ये याद रखिए, आपसे पूछा जाएगा अपने अपने बच्चों की तरबियत कैसे, आपसे पूछा जाएगा।